सौतेले भाई के प्यार में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत तीन लोगों से होती है। एक व्यक्ति का नाम है आरिफ और उसकी पत्नी का नाम है अप्सरी और एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम है मुजाहिद। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मैं विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आरिफ की शादी बाराबंकी कुर्सी थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है जिसका नाम है टिकेतगंज। दोस्तों, वहां की रहने वाली अप्सरी, उनके पिता का नाम है मतीक, उनसे हुई थी। दोस्तों, इनके पास दो बच्चे हैं। ये गुजरात में सोमनाथ इलाके में मीट की दुकान चलाया करते थे। अप्सरी की माता जी की शादी उड़ीसा के एक अब्दुल रहमान ने उनके साथ हुई थी, लेकिन किसी कारणवश उनका रिश्ता टूट जाता है और इसके पश्चात उनकी शादी बाराबंकी कुर्सी थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है जिसका नाम है टिकेतगंज, वहां पर हो जाती है। दोस्तों, वहां पर एक सौतेला भाई होता है जिसका नाम है मुजाहिद। मुजाहिद भी नौकरी करने के लिए जो आरिफ है आरिफ की दुकान पर चला जाता है। दोस्तों, दुकान पर जब उनकी दुकान पर पहुँच जाता है नौकरी करने के लिए पहुँच जाता है, इसी दौरान जो आरिफ की पत्नी है अप्सरी, अप्सरी और मुजाहिद का प्रेम प्रसंग हो जाता है। इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में आरिफ को पता चलता है तो जो आरिफ है वो मुजाहिद को नौकरी से निकाल देता है। मुजाहिद गुजरात से अपने घर बाराबंकी आ जाता है, लेकिन आने के पश्चात वो फोन से चोरी चुपके जो अप्सरी है अप्सरी से बातें करता रहता है। दोस्तों, जो अप्सरी है वो जब भी अपनी ससुराल सीतापुर आती थी तो वहाँ से वो अपने मायके चली जाती थी। मुजाहिद और अप्सरी की दोनों की फ़ोन पे आपस में बातें चलती रहीं। दोस्तों, जो आरिफ है आरिफ को पहले से ही शक था, लेकिन घटना से लगभग कुछ दिन पहले, लगभग एक महीने पहले, जो आरिफ है आरिफ ने मुजाहिद और अप्सरी को दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसी कारणवश दोनों ने योजना बनाई आरिफ को रास्ते से हटाने की। इसके पश्चात जो आरिफ है आरिफ अप्सरी और अपने बच्चों को लेकर सोमनाथ इलाके से गुजरात आ जाता है अपने घर पर। दोस्तों, इसके पश्चात जो मुजाहिद है वो अपने मेहमान जो बंदूसराय थाना क्षेत्र के एक कस्बे में रहने वाले जिनका नाम है रिजवान, दोस्तों उनको आरिफ के पास भेजता है गुजरात। वो वहाँ पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका धंधा बाराबंकी है बाराबंकी में गुजरात से ज़्यादा चलेगा। तो वो उनकी बात जो आरिफ है मान लेते हैं और वो वहाँ से ट्रेन में बैठते हैं और 11 सितंबर की रात जो बाराबंकी स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। स्टेशन पर पहले से ही रिजवान और उसका दोस्त अफ्ताब पहले से ही वहाँ पर बाइक लेकर मौजूद थे। जैसे ही आरिफ ट्रेन से उतरते हैं तो वो उसको बाइक पर बैठाकर मसौली थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है पूरे ले जाते हैं लोहे की रोड से, जो आरिफ है आरिफ की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात एक पुलिस कप्तान है जिनका नाम है दिनेश कुमार, उन्होंने बताया है कि 12 सितंबर की सुबह मसौली थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है पूरे जवर में सड़क के किनारे एक 25 वर्षीय युवक का शव मिलता है जो दोस्तों खून से लथपथ था, और उसके पास से एक डायरी मिलती है और एक टिकट मिलता है जिससे पता चलता है कि उसका नाम आरिफ है और उसके पिता का नाम महबूब है। इसके पश्चात उसकी जो शव होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इसके पश्चात जब उसके भाई हैं एक अली उल्लाह, आरिफ के भाई थे अली उल्लाह, उनको पता चलता है तो उन्होंने पत्नी जिसका नाम है अप्सरी और उसके आशिक जिसका नाम है मुजाहिद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। दोस्तों, और उन्होंने बताया कि इस घटना से एक महीने पहले आरिफ ने मुजाहिद और अप्सरी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। और दिनेश कुमार जी ने बताया है कि ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन सर्विस लाइन्स और मसौली पुलिस की कड़ी से कड़ी मेहनत के कारण इस केस का खुलासा हो गया। मसौली पुलिस ने 15 सितंबर दिन शुक्रवार को इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से एक आला कतल लोहे की रोड और मृतक का मोबाइल और एक बाइक बरामद हुई है। दोस्तों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों, आज की कहानी का मतलब आपको भड़काना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है ईटीवी न्यूज़ से। दोस्तों, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।